नरक पताल लोक एक सच है। झरिया लगभग 100 साल से जल रहा है, मानो झरिया नरक में समा रहा हो। पता नहीं कब ये जगह का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। पर पहले यहाँ ऐसे नहीं था। शुरू तब हुई जब धनबाद के आसपास अंग्रेजों ने सारे धान के खेतों पर कब्जा करके कोयला निकालने का काम शुरू किया। तब जब रेलगाड़ियाँ कोयले पर चलती थी और सारी आधुनिक फैक्ट्रियाँ और मशीनें सब कोयले पर चलती थी, और तब जब धनबाद बंगाल के हिस्से में आता था। आजादी के बाद धनबाद बंगाल से बिहार में चला गया, अभी धनबाद झारखंड में है। तो फिलहाल हम आए हैं बस्ताकोला एक गांव में। तो ये जो गांव है ये झरिया का एक गांव है बस्ताकोला, जहां पूरा गांव ही धस गया है और अभी भी आग लगा हुआ है। धनबाद से लगभग 10 किलोमीटर दूर झरिया झारखंड का कोयला क्षेत्र है। यहां की अर्थव्यवस्था स्थानीय कोयला क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है, पर जमीन के अंदर कोयला में आग लगने से शहर बहुत प्रदूषित हो गया है। पीछे आपको कुछ घर दिख रहा होगा टूटा फूटा, जो कि कभी यहाँ एक बस्ती हुआ करता था, पर अभी यहाँ तो लगभग धस चुका है। और यहाँ जो आदमी लोग थे उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, कुछ कुछ को, और कुछ तो इधर है। तो बात यही है कि रोजगार नहीं था उधर, तो लोग आके यहीं फिर बस गए। भयानक सीन लग रहा है ना? बहुत भयानक लग रहा है। खैर भयानक तो है, पर लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है आगे इससे भी भयानक है। तो हम निकल जाते हैं और सब जगह एक्सप्लोर करने। दिन में तो आग बस फील कर सकते हो यहाँ की गर्माहट और ढेर सारा धुआं से, पर रात होते ही यहाँ का नजारा बदल जाता है, चारों तरफ लाल। अभी फिलहाल शाम का टाइम है, कुछ कुछ जगह अभी भी आग दिख रहा है। वैसे यहाँ आग पहली बार 1916 में पता चला था, सेठ खोरा रामजी की खास खदान थी, जो कि 1930 में जमीन के अंदर आग लगने से ढहने वाली पहली खदान में से एक थी। धनबाद को देश का कोयला राजधानी बोला जाता है। कोयला क्षेत्र दामोदर नदी घाटी में स्थित है। झारखंड में देश का 29% कोयला पाया जाता है, जो कि अधिकांश कोयला झरिया से आता है। यहाँ आने के बाद मैं खुद को बहुत सारे सवाल से घिरा हुआ पाया। कैसे लगी होगी ये आग? क्या ये विकास है? यहाँ मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही, फिर लोग कैसे रहते हैं? जब झारखंड में इतना कुछ है तो फिर यहाँ इतना गरीबी क्यों? झरिया के आग में सिर्फ कोयला नहीं जल रहा है, बल्कि लोगों के सपने, उम्मीद, सब कुछ जल रहा है। Thank you.
हाँ जी, ये है द बर्निंग सिटी झरिया की कहानी। अगर आप वीडियो में यहाँ तक हैं, तो एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, कमेंट में बताइए झारखंड की कोई ऐसी जगह या आपके शहर की कोई कहानी जिसे हम आने वाले अगले वीडियो में कवर कर सकें। तो ठीक है, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।